नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राज मलवान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उसके कार्य और शक्तियाँ। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन में भी जो कार्यपालिका है उसके जो औपचारिक प्रधान है वह है सम्राट, और जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जिसके पास है वह है कैबिनेट या मंत्रिमंडल। कैबिनेट या मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वह है प्रधानमंत्री। तो इससे इस कारण ब्रिटेन में जो कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां है वह प्रधानमंत्री के पास है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है, लेकिन सम्राट केवल उसकी नियुक्ति औपचारिक रूप से ही करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो लोक सदन में बहुमत दल का नेता होगा, सम्राट को उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होगा। अब ये परंपरा बन गई है कि जो व्यक्ति लोक सदन का सदस्य है और बहुमत दल का नेता है उसे ही सम्राट प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे। अर्थात प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, न कि लोक सभा का। अब हम पढ़ेंगे उसके कार्य और शक्तियाँ। जो प्रधानमंत्री है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है मंत्रिमंडल का निर्माण। वैसे तो मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल का संपूर्ण निर्माण प्रधानमंत्री की इच्छा से ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय अपने दल के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनको और पूरे क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको, और जो सदस्य विभिन्न समुदायों से आते हैं उन सब सदस्यों में से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। लेकिन फिर भी अंतिम रूप से जो मंत्रिमंडल के निर्माण की जो शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के पास ही होती है। प्रधानमंत्री की जो दूसरी शक्ति है वह है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का संपूर्ण कार्य संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री ही अपनी इच्छा से मंत्रियों को उनके विभाग सौंपता है और उन विभागों में आपस में सामंजस्य बनाने का काम भी प्रधानमंत्री का ही होता है। कोई भी मंत्री अपने जो मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है। तीसरा जो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण शक्ति है वह है कि मंत्रिमंडल का अंत। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी अपने मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। वैसे तो मंत्री को हटाने का जो पावर है वो सम्राट के पास है, लेकिन सम्राट बिना प्रधानमंत्री की परामर्श से या उसकी इच्छा के बिना किसी मंत्री को नहीं हटा सकता। जो वास्तविक रूप से जो मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति सदस्य को हटाना हो या मान लो संपूर्ण मंत्रिमंडल का ही अंत करना हो तो उसकी शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास ही होती है। प्रधानमंत्री चाहे तो स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पूरे मंत्रिमंडल का अंत कर सकता है। चौथी जो इसकी विशेषता है वह है शासन पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री का पूरे देश के शासन पर नियंत्रण रहता है। सभी सरकारी विधेयक या सभी सरकारी डिपार्टमेंट, सभी सरकारी विभाग प्रधानमंत्री के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। सभी मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के अंदर में रहते हैं। वह सभी विभागों पर, सभी सरकारी जो संस्थाएं हैं उन पर प्रधानमंत्री अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है और सभी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट उसकी जो शक्ति है वह है पर राष्ट्र संबंधों का संचालन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। चाहे विदेश से संबंधित संपूर्ण मामले प्रधानमंत्री की देखरेख में ही किए जाते हैं। विदेशी चाहे उसके पास विदेश मंत्रालय ना हो फिर भी विदेशों से संबंधित सभी जानकारियां विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से साझा करता है और विदेश के से संबंधित सभी मामलों को प्रधानमंत्री ही देखता है और उसके ऊपर संपूर्ण जिम्मेदारी रहती है विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने में। जो उसकी छठी शक्ति है वह है लोक सदन का नेतृत्व। प्रधानमंत्री लोक सदन का प्रमुख होता है और वह लोक सदन का पथ प्रदर्शक होता है। लोक सदन में जितने भी सरकारी विधेयक हैं उसके परामर्श से ही पास किए जाते हैं। वह अपने दल का वहां पे नेतृत्व करता है और पूरे लोक सदन का वह नेतृत्व करता है और उसके पथ प्रदर्शन में ही लोक सदन के सभी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री ही सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिमंडल में जो
निर्णय लिए जाते हैं उन सभी निर्णयों से प्रधानमंत्री ही सम्राट को अवगत कराता है, और सम्राट और प्रधानमंत्री जो आपस में मंत्रणा करते हैं उन मंत्रणा या उन निर्णयों के बारे में मंत्रिमंडल को बताने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि मंत्रिमंडल और के सदस्य डायरेक्ट सम्राट से नहीं मिलते हैं, इन दोनों के बीच में जो कड़ी है वह प्रधानमंत्री होता है और वही इनके बीच में सामंजस्य बनाए रखता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। दुनिया भर में जितने भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उनमें ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व है वह प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने देश के हित में इन सम्मेलनों में अपने देश के हित के बारे में अपने विचार साझा करें या इन सम्मेलनों से जो के बारे में जो कुछ नई चीजें हैं उसके लिए वह ब्रिटेन को तैयार करें। ये सारा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट उसकी शक्ति है राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटेन के जो पहले उपनिवेश थे जो आज उस जिस वो आजकल उसके राष्ट्रमंडलीय देश हो गए हैं उन राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध बनाने का उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करता है। लास्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। आज ब्रिटेन में प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण हो चुका है, उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वह एक तरह से राष्ट्र के नायक के रूप में स्थापित हो गया है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने समकक्षों में प्रथम में रहकर वह इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि उसके पास इतनी उसकी शक्तियां इतनी अधिक हो गई है कि आज जो राजनीतिक दल है वह जो प्रधानमंत्री है उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते हैं, इस कारण से उसे राष्ट्र का नायक भी कहा जाने लगा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियां अगणित है और वह बहुत ही ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करता है। धन्यवाद।